मैं इस वक्त बी चौक के पास मौजूद हूँ, बल्कि नीचे आती है इस रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे आमतौर पे काफ़ी रश होता है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो एक तो बहुत ज़्यादा कंटेनर्स लगाए हैं, मैंने बताते खुद अपनी गाड़ी काफ़ी पीछे पार्क की है और मुझे कम अज़ कम कोई 20 मिनट वॉक करना पड़ा यहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें जो है खड़ी की गई हैं, जिसकी वजह से आना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन यह है कि पैदल बंदा आ सकता है, रास्ते में लोग तो बहुत कम, यानी आम लोग बहुत कम मिले, लेकिन ज़्यादातर पुलिस भी मुख्तलिफ सूबों के, यानी उसमें FC के भी हैं और सिंध पुलिस के भी, इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस के एहलकारों से भी मुलाकात हुई। चूँकि सर्दी है, कुछ इलाकों के पुलिस जो है उस सर्दी के साथ आदी नहीं है, तो उन्होंने सर्दी के हवाले से शिकवा भी किया था। हम उन्हें वफाकी पुलिस की जानिब से खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे चूँकि मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी मौजूद है, जो कि पूरे इवेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं, अपने जो कवरेज है वो आप तक की खबरें पहुंचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद का और बी चौक पे, यानी पूरे जो मेन शाहरा है जो कि इसको पार्लियामेंट के साथ कनेक्ट करता है, ये शाहरा और रेड जोन है इसके साथ, चूँकि डी चौक से आगे पूरा जो है वो रेड जोन कहलाता है, तो रेड जोन में दाखिल होने के लिए काफ़ी जो है वो रुकावटें हैं। यानी पिछले जो सितंबर में PTI की जानिब से रैली निकाली गई थी, उस रैली में हमने देखा था कि इतनी ज़्यादा जो है वो रुकावटें नहीं थी। इस मरतबा इन्होंने हर 2 किलोमीटर के बाद जो है वो रुकावटें कड़ी की है, कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो इस वजह से जो डी चौक तक पहुँचना जो है PTI के वर्कर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह यहाँ पे इस वक्त हमने छोटी मोटी जगहों पे दिन को देखा कि मोटरसाइकिल्स पे और पैदल PTI के वर्कर्स जो है वो आने की कोशिश करते रहे, तो हम कोई बड़ी कार्रवाई या रैली जिसे कहते हैं वो इस वक्त यहाँ पे दाखिल नहीं हुई है। इस्लामाबाद के हदूद में बाकी इलाकों में है, लेकिन डी चौक पर यहाँ पे या चाइना चौक की अगर बात करें, इसके पीछे श्रीनगर हाईवे की बात करें, तो इन मकाम पर PTI के वर्कर्स जो है वो नहीं पहुँचे हैं। और पॉसिबल है रात देर तक PTI के वर्कर्स पहुँच आए हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो है यहाँ पे खामोशी है, जिस तरह आप देख रहे हैं पूरी जो है यहाँ पे खामोशी है। और ये जो मेन शाहरा है जहाँ पे इस टाइम काफ़ी रश होता है, इस वक्त काफ़ी सुनसान है।